समृद्धि आदर्श की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेंबर की सब्जी, सेंबर के फूलों की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए तो मैं बताती हूँ। सेंबर की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम इन फूलों को, ये देखिए मैंने ये ताज़ा फूल लिए हैं, इनकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसको हम, इस फूल को हम छुटा देंगे, ये देखिए इसको हम अलग कर लेते हैं। इसकी सब्जी बनाएंगे हम, ये बहुत ही अच्छी रहती है सेहत के लिए भी। ये देखिए हम इस तरह इसको छुटा देंगे फूल को और हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। ये देखिए हमें इस तरह फूलों को अलग कर लेना है। इसी तरह हम सारे फूलों की इनको तोड़ लेते हैं और इनकी ही हम सब्जी बनाएंगे आज। ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। ये देखिए मैंने इनको तोड़ लिया है, सारे फूलों को इनसे अलग कर लिया है फूलों से। अभी हम इसको अच्छे से धोएंगे ताज़ा पानी से। देखिए मैंने बड़े पतीले में इसको डाल लिया है, अभी हम इनको धो लेते हैं। ये देखिए मैंने दोबारा से भी इनको धो लिया है अच्छे पानी से। सेंबर की सब्जी में डालने के लिए हम दो आलू लेते हैं। ये देखिए ये मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने, और एक बड़ा प्याज लिया है और दो लहसुन किए लिए हैं, दो लहसुन लिए हैं। और मैंने ये कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हम अच्छे से धो लेंगे। सबसे पहले मैं आलू को छील लेती हूँ। ये देखिए हमें इस तरह आलू को भी काट लेना है। अभी हम आलूओं को भी धो लेते हैं। अभी हम हरी मिर्च को भी धो लेते हैं साफ पानी में। और प्याज और लहसुन को भी छील लेते हैं हम। सेंबर की सब्जी के लिए मैंने देखिए प्याज काट लिया है, ये देखिए बारीक बारीक काट लिया है। और ये लहसुन लिया है उसको मैंने कूट लिया है, और ये हरी मिर्च ली थी जिनको मैंने बीच से काट लिया है। ये देखिए अभी हम इनको बनाना शुरू करते हैं सब्जी को। ये देखिए कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर रख दी है, अभी हम कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम सरसों का तेल लगाते हैं। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी मैं इसमें सरसों का तेल लगाती हूँ। दो चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी हम आधा चम्मच ये मेथी दाना डालते हैं, इसको हम भुन जाने देते हैं। ये लहसुन मैंने कूट के डाला था, रखा है, ये मैं डालती हूँ कढ़ाई में। इसके बाद ये प्याज हमने काटा था वो लगा देते हैं, प्याज को भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी सारे प्याज और लहसुन को हम मिला लेते हैं तेल में,
चलाते हुए भूनते हैं इसको। देखिए प्याज हमारा भून गया है, अभी हम इसमें हरी मिर्च को भी डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं, इनको भी हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, अभी हम इसमें सूखे मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर डालती हूँ 1 चम्मच, उसके बाद मैं ये रेड चिल्ली पाउडर डालती हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, देखिए मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया। स्वाद अनुसार मैं नमक डालती हूँ। देखिए मसाला हमारा भून गया है, अभी हम सेम्बर को डालते हैं। ये देखिए सेम्बर और आलू को भी कढ़ाई में डाल देते हैं, मसालों के साथ हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमने मसालों में अच्छे से फ्राई कर लिया है, मिला लिया है, देखिए ये भून चुके हैं। अभी हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालते हैं, पानी लगाने के बाद हम स्लो गैस पे इसको हम 10 मिनट के बाद देखेंगे ये पके हैं या नहीं, तब तक हम इनको ढक के पकाते हैं। ये देखिए मैं ढक देती हूँ कढ़ाई को, अभी हम 10 मिनट के बाद देखेंगे। अभी हम अपनी सब्जी को चेक करके देखते हैं, ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, अभी हम इसको सर्व करते हैं। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनी है सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए सेम्बर की सब्जी मैंने बना ली है, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालेंगे। ये देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी सब्जी है, और इसको सभी को पसंद आती है ये सब्जी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं अलग रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।